हेलो फ्रेंड्स, टेक इन्फिनिटी एंड फोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य। दोस्तों, आज हम जानेंगे आप अपने मोबाइल के द्वारा कैसे फोन पे ऐप से बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर जाकर काफ़ी लंबे कतार में घंटों खड़े रहते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिक बिल अपने मोबाइल से ही जमा कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत आसानी होती है। इलेक्ट्रिक बिल जमा करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आसानी से बिल जमा हो जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे आप अपने मोबाइल से कैसे फ़ोन पे ऐप के द्वारा बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम अपने पहले फ़ोन पे ऐप को खोलेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कई बिजली, हर एक स्टेट के बिजली बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ जाएंगे आप। यहाँ से एक सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो आपका बिजली बोर्ड है, नहीं तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ, तो मेरा बिजली बोर्ड है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ, देखिए मेरा यहाँ थर्ड नंबर पर आ भी चुका है। यहाँ पर हम अपने CA नंबर को डालेंगे जो हमारे बिल पर दिया रहता है। देखिए इस बिल पर दिया हुआ है बिल। CA नंबर को एक तरह से हम खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर भी बोल सकते हैं। अब हम अपने CA नंबर को टाइप करेंगे, कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक बिल आ चुका है। यहाँ पर देखिए मेरा CA नंबर दिखा रहा है, कस्टमर नेम दिखा रहा है, बिल नंबर दिखा रहा है, उसके बाद मेरा कितना ड्यू है, कब से ड्यू है, 23 अप्रैल 2020 से ड्यू है। तो मैं आज यहाँ बिल को पे करूँगा। देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन है, वॉलेट गिफ्ट वाउचर से भी आप कर सकते हैं, या फिर भीम UPI से कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। 16 देखिए इंटर योर कार्ड नंबर, यानी कि आपको यहाँ 16 डिजिट का कार्ड नंबर डालना है और नीचे एक्सपायरी डेट डालना है और बगल में CVV नंबर जो कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है वो डालना है। यहाँ क्रेडिट कार्ड में सेम वही ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के ही तरह है। यहाँ हम अपना पेमेंट को भीम UPI के से करेंगे। तो चलिए पे बिल पर जाते हैं, पे बिल करते हैं। यहाँ हम अपने UPI नंबर डालेंगे। देखिए हम अपने UPI नंबर को डाल चुके हैं, यहाँ से टिक करेंगे। देखिए टाइम ले रहा है, बिल पेमेंट अंडर प्रोसीड। देखिए मेरा यहाँ बिल सक्सेसफुली जमा हो चुका है, नियर मिस अ बिल पेमेंट। देखिए मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 डेज आफ्टर बिल जनरेट, 2 दिन के बाद आपका बिल वापस जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए आपका बिल पे हो चुका है, हमारा बिल पे हो चुका है। यहाँ पर इनेबल ऑटो प्ले कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि महीने हर महीने बिल जो आता है ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, यहाँ इनेबल कर दीजिएगा आप, तो हर महीने आपका बिल ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। चलिए मैं आपको अपने ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे सबसे नीचे हिस्ट्री का ऑप्शन है, वहाँ जाएंगे आप। उसके बाद अपने ट्रांजैक्शन को चूज़ करेंगे, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है फर्स्ट वाला, उस पर जाएंगे। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ ट्रांजैक्शन ID शो हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे मेरा कितना बिल मैं पे किया हूँ वो शो हो रहा है, 587। उसके नीचे डेबिट फ्रॉम, मैं किस किस चीज़ के द्वारा मैं बिल पे किया हूँ वो मेरा शो हो रहा है। जैसे कि मैं फ़ोन पे वॉलेट गिफ्ट वाउचर से मैं 5 रुपीज़ पेड किया हूँ, जो कि मेरा पहले से उसमें था 5 रुपया। उसके बाद नीचे आइए तो देखिए मैं UPI से, भीम UPI से 582 रुपीज़ पे किया हूँ। टोटल होता है 582 + 5, टोटल बिल है मेरा 587। यदि आपको कोई कंप्लेन है इस बिल से रिलेटेड, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट फ़ोन पे सपोर्ट सबसे नीचे जो ऑप्शन वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ कंप्लेन टेक्स्ट लिखे हुए हैं इस बिल से रिलेटेड, यदि आपको इसमें से कोई कंप्लेन है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बिल पेमेंट नॉट कंप्लीट, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन
फेल हुआ है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ले सकते हैं। यहाँ यदि आपका 5 दिन के बाद भी बिल शो हो रहा है तो बिल स्टिल रिफ्लेक्टिंग एज ड्यू। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, यदि आप कैशबैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप किसी ऑफर में बिल पे किए हैं, आपको कैशबैक नहीं मिला है, ऑफ़र वो नहीं मिल पाया है, तो आप यहाँ कैशबैक रिलेटेड ऑप्शन पर जा सकते हैं। आपका तुरंत वहाँ बिल रजिस्टर्ड, तुरंत वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।